हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस प्लस एकेडमी। हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस का ये सातवां लेसन है हमारा। इससे पहले हमने 6 लेसन कंप्लीट कर लिए हैं। पहले दो लेसन में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखे कि प्रॉफिट एंड लॉस होता है क्या, इसकी थ्योरेटिकल जो भी चीजें हैं उसका कॉन्सेप्ट, प्रॉफिट किस पे निकलता है, लॉस किस पे निकलता है, उसके अलावा डिस्काउंट किस पे निकलता है, और कौन कौन से तरह के मूल्य होते हैं, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, और जो है हमारा अंकित मूल्य। तो ये इन सब चीजों के बारे में हम पहले लेसन में देख चुके हैं। तो आप पहला लेसन जरूर देखें इस वीडियो को देखने के पहले। उसके अलावा बाद वाले लेसन आप एक बार के लिए स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि हर मैं वीडियो में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूं, तो आपको समझ में जरूर आ जाएगा जो भी चीजें हैं। तो पहला सवाल जो है आपकी स्क्रीन पे है, आप देखिए एक बार। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है यदि एक वस्तु पर 20% का लाभ हो और दूसरी वस्तु पर 20% की हानि हो, तो पूरे व्यवसाय में लाभ या हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। क्या कह रखा है, अगर कोई व्यक्ति दो वस्तुएं हैं, दो चीजों को सेम सेलिंग प्राइस पे बेचता है, सेलिंग प्राइस उनकी सेम है, और लेकिन क्या होता है, एक वस्तु को वो क्या कर रहा है, 20% के लॉस पे बेच रहा है और दूसरे को 20% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। तो आपको बताना है कि इस जो पूरा जो ट्रांजेक्शन हुआ, इसमें उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, अगर जो भी हुआ है वो कितने प्रतिशत हुआ है। ठीक है, अब जब आपको पता है दो वस्तुएं हैं, ठीक है, एक ये है मान लीजिए पहली वस्तु, इसका सीपी कुछ होगा, CP1 मान लूं मैं, और दूसरी वस्तु है इसका सीपी कुछ होगा, वो CP2 मान लूं मैं। कारण क्या है, सीपी तो अलग अलग होगा ना, दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है, लेकिन कॉस्ट प्राइस तो अलग ही होगा, तभी एक पे प्रॉफिट हो रहा है दूसरे पे लॉस हो रहा है। अगर दोनों पे प्रॉफिट हो रहा होता, सेम होता, तभी तो सीपी सेम होता, सीपी अलग होगा इसीलिए उनका प्रॉफिट और लॉस अलग अलग है। तो ये मैं कुछ भी मानूं, ठीक है, ये मान लूंगा, इसके केस में भी SP रहेगा, इसके केस में भी SP सेम रहेगा। ठीक है, अब ये चीज आप देखिए, अब यहां से आपको इस सवाल को करने का तरीका, एक तो आपका जो कन्वेंशनल मेथड है पुराना वाला, जिससे आप क्या करते हैं, एक्स माने, सीपी को एक्स माने, उस पर 20% का प्रॉफिट माने या 100 माने, ठीक है, उसके बाद इसका सीपी अलग से माने और उसको इन दोनों को आपस में कंपेयर कर दें, तो इन दोनों का आपस में कंपेरिजन हो जाएगा, वो तो एक लॉन्ग मेथड हो गया। उसके बाद मैं आपको दो मेथड बताऊंगा इसके, एक तो आपका 2 सेकंड में हो जाएगा, दूसरा मैं आपको एक तरीका बताता हूं जिससे आप इसको सॉल्व कैसे करते हैं, वो चीजें देखिए। हालांकि इसका आंसर तो ये होगा, प्रॉफिट 20% का प्रॉफिट है और 20% का लॉस है, माइनस आप पीछे लगाएं, नीचे 100 लगाएं, क्या आ जाएगा, 4%, और ये 4% का क्या है, लॉस है, ये 4% का लॉस है, सीधा ऐसे आंसर आ जाएगा। इस तरह के सवाल होते हैं जिनमें सेम ही प्रॉफिट हो रहा है और सेम ही लॉस हो रहा है, उसमें आपको क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 का डिवाइड दे देना है, जो भी आएगा वो लॉस होगा। ठीक है, लेकिन ये आया कैसे, ये चीज हमें समझनी है। मान लीजिए एक के लिए मैं मान लू सीपी 100, ये वाली सीपी मैंने 100 मान ली, ये वाली मैं निकाल लूंगा, ये वाली मान ली, एक ही मानेंगे चीजें, मल्टीपल चीजें नहीं माननी चाहिए एक सवाल में, वरना आपकी कैलकुलेशन में दिक्कत हो सकती है। इसमें एसपी कितना होगा, जब 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यहां पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, हालांकि मैं ये वाली आगे वाली चीज वापस बता दूं आपको, एक बार के लिए मैंने बताया है कि इतना जल्दी हो जाएगा, 20% का यहां पे प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, 120, ये हो जाएगा इसका एसपी। अब एक बात देखिए, मैंने क्या कहा, दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है यानी विक्रय मूल्य बराबर है, तो ये भी 120 है, तो ये भी कितना होगा, 120 होगा, ये बात ठीक है। अब यहां पे प्रॉफिट हो रहा था और यहां पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, यानी कि यहां जो भी सीपी आएगा, जो भी सीपी यहां पे आएगा, वो 120 से तो क्या होगा, ज्यादा ही होगा, तभी तो लॉस होता है। यहां जब लॉस हो रहा है वो है 20% का। अब आप एक चीज देखिए, लॉस किस पे निकलता है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि 120 का 20% निकाला और उसमें से घटा दिया 120 में से और आपका सीपी आ गया, ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि सीपी पे ही हमेशा प्रॉफिट और लॉस निकलता है, कभी भी एसपी के ऊपर नहीं निकलता। ठीक है, तो प्रॉफिट और लॉस किस पे निकलता है, सीपी पे निकलता है, यानी कि सीपी 2 में से अगर मैं 20% कम करूंगा तो आपका आएगा 120। ठीक है, तो यहां पे देखो सीपी हमेशा 100% तो होता ही है ना, 100% होता है, ये 100 है, मैं इसको मानो 100% है, तो इसका 80% क्या है, सीपी 2 का 80%, 80% ऑफ सीपी 2 अगर मैं ऐसे लिखूं तो कितना आ जाएगा आपका, 120। क्यों, मैंने क्या कर दिया, 20% कम कर दिया, तो सीपी 2 की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, आप यहां से सीधा निकाल सकते हैं, 1% के लिए कितना हो जाएगा, 120/80, और 100% अब जब निकालेंगे इसका सीपी 2 का,
तो वो कितना आ जाएगा आपका, ये 5, ये 4, ये 3, 30, 3 पंजो 15, 150। आप इस तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आ गया आपका 150, CP2 आ गया, CP1 आ गया और SP दोनों आपके पास अवेलेबल हैं। तो उसके बाद क्या निकाल सकते हैं, टोटल प्रॉफिट और टोटल लॉस आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ये वाली चीज तो आपको सीधी भी आती होगी, आप ये जब हम फॉर्मूला देखते हैं तो उससे भी आप कर सकते हैं कि किस तरीके से CP निकाला जाता है। CP निकालने का आपको पता है तरीका, ठीक है। SP से CP कैसे निकालते हैं जब आपको लॉस और प्रॉफिट दे रखा हो, ये चीजें तो हम शुरू से करते आ रहे हैं, पहले लेसन से, दूसरे लेसन से करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको दोनों CP मिल गई, दोनों SP मिल गई, तो आप क्या करें, टोटल CP कितना हो गया, टोटल कर लें इसका, टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया, 100 और 150 यानी कि 250 हो गया। ये कितना हो गया, टोटल SP कितना हो गया, 120 और 120 यानी कि 240 हो गया। तो ये पूरा जो ट्रांजेक्शन हुआ इसमें क्या किया, इन दोनों चीजों को 250 में खरीदा था, 240 में बेच दिया, यानी कि 10 का क्या हुआ, लॉस हुआ। और ये लॉस किस पे हुआ, 250 पे। तो लॉस परसेंटेज कैसे निकलेगा, 10/250 गुणा में 100, तो कितना आएगा आपका, 4%। तो लॉस कितना हुआ, 4% हुआ, सीधा यहाँ पे भी कितना हो रहा था, 4% हो रहा था। तो इस तरीके के जब सवाल आते हैं तो सीधा आपको क्या करना है, ये चीज सेम होनी चाहिए, सवाल की कंडीशन क्या है, ये ट्रिक की कंडीशन क्या है, जब कोई भी ट्रांजेक्शन है और उसके अंदर विक्रय मूल्य सेम है दो वस्तुओं के, ठीक है, उसके बाद जो लाभ और हानि दे रखी है वो इक्वल है, नंबर में न्यूमेरिकल वैल्यू उनकी सेम है लेकिन उनका अपोजिट है, एक बार लाभ हो रहा है, एक बार हानि हो रही है, एक बार प्रॉफिट है, एक बार लॉस है, तो आप उसका जो फाइनल ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट या लॉस होगा वो क्या होगा, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपॉन 100, और वो जो भी आएगा वैल्यू वो लॉस होगा ना कि प्रॉफिट होगा, क्योंकि यहाँ पे आप माइनस सीधा ही मान लीजिए ना, ये माइनस है क्योंकि क्या है, लॉस है, ये प्रॉफिट है, तो माइनस और प्लस को आप मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, माइनस आएगा, और ये 4% का यहाँ पे लॉस हो। तो एक सवाल आप खुद करना इसी तरीके का, वो बस एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ। सवाल अगला तो हमारा दूसरा है, मान लीजिए कोई वस्तु है, उनका दोनों का विक्रय मूल्य समान है, एक ट्रांजेक्शन पे 5% का फायदा हो रहा है, दूसरे ट्रांजेक्शन पे 5% का नुकसान हो रहा है, तो टोटल प्रॉफिट या लॉस कितना होगा पूरे ट्रांजेक्शन पे, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, वही तरीका है, 5% का क्या है प्रॉफिट, 5% का लॉस अपॉन 100 कितना हो गया, 25/100, तो कितना हो गया, 0.25% का लॉस। इस तरीके से इन सवालों को कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा आप यहां से अगर ये भी देखेंगे, ये भी नहीं लिखना, 25 आएगा भाई, 5 25 25, आप 100 का भाग देंगे 0.25 हो जाएगा, तो 0.25 क्या हो जाएगा, इस पे लॉस हो जाएगा। इस तरीके से आप इस ट्रिक से इसको कर सकते हैं, लेकिन कोई भी ट्रिक लगाने से पहले आपको उसकी कंडीशन जानना बहुत जरूरी है। हर जो ट्रिक है वो सब जगह नहीं लगेगी, ये ट्रिक स्पेसिफाई इसी पे लगेगी कि जहां पे विक्रय मूल्य सेम हो लेकिन साथ में प्रॉफिट और लॉस की न्यूमेरिकल वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। अगला सवाल है, जब एक खिलौने का मूल्य 20% बढ़ा दिया जाए और खिलौनों की बेची गई जो मात्रा है उसमें 15% की कमी कर दी जाए तो बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लो एक खिलौने का व्यापारी है, वो अपने बेचते टाइम खिलौनों की जो कीमत है उसमें 20% का इजाफा कर देता है, ठीक है, कीमत में कर दिया, यानी कि SP में कीमत में क्या कर देता है, 20% का इजाफा, साथ ही साथ 15% वो अपना जो बेच रहा है उसकी जो मात्रा है, जो क्वांटिटी है, उसमें कमी कर देता है। पहले मान लो 100 खिलौने बेच रहा था तो अब कितने बेचेगा, 85 बेचेगा। तो बताना है कि ये जो ओवरऑल जो ट्रांजेक्शन है उसका जो व्यवसाय है उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, क्योंकि दोनों चीजों में परिवर्तन आ गया। आपको पता है कमाई क्या होगी इस दुकानदार की, ये दुकानदार है कोई, ठीक है, इसको पहले आप करना, मैं आपको उसके बाद बता रहा हूं कि कमाई क्या होगी इसकी, कीमत, एक खिलौने की कीमत गुणा जितने खिलौने वो बेचता है, नंबर ऑफ खिलौने यानी कि टोटल कुल बेचे गए खिलौने, ये बात तो आपको समझ में आई गई होगी ना, कि अगर कितना भी ये बेचे, अगर इसकी कमाई कितनी होगी, मान लो ये 100 खिलौने बेचता है और हर खिलौने की 2 रुपए कीमत है तो 200 रुपए उसको मिलेंगे, कितनी भी कीमत हो और टोटल बेचे गए खिलौनों से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे वो इसकी कमाई होगी, ठीक है। अब मान लो शुरुआत में इसको हम क्या माने, इसको मान ले एक तरह से इनकम, इंग्लिश वालों के लिए इनकम,
ये क्या होगी रेट, ये क्या होगी क्वांटिटी, क्वांटिटी होगी। अब क्या है, शुरुआत में इनिशियल टाइम पे ये इनकम कितनी रही होगी, ये देखिए इनिशियल और उसके बाद फाइनल, ये दो ही चीजें निकालनी हैं, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों टाइम पे उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। पहले वाली को दूसरे वाली से कंपैरिजन कर लेंगे, लेकिन उसको कंपैरिजन करने के लिए आपको क्या चाहिए, रेट चाहिए और क्वांटिटी चाहिए। उसके लिए क्या दे रखा है, रेट के लिए इसने दे रखा है कि रेट में 20% का इजाफा होता है, दे रखा है। परसेंटेज में हमने पढ़ा था कि 20% को हम बोलते हैं 1/5, सीधी सी बात है, इसमें 100 का भाग दोगे, प्रतिशत हटाओगे, 1/5 आ जाएगा। अब नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, ये होती है ओरिजिनल वैल्यू या फिर इनिशियल वैल्यू, ये ओरिजिनल वैल्यू होगी। तो ओरिजिनल वैल्यू यहां पे क्या है, रेट, रेट पहले 5 रुपए थी तो पहले की जगह तो मैं 5 लिख दूं, ठीक है। अब ये एक प्लस होगा कि माइनस होगा, ऊपर वाला क्या होता है, हमेशा परिवर्तन होता है, ठीक है। तो ऊपर वाला अगर परिवर्तन है तो क्या होगा, प्रतिशत 20% का इजाफा हुआ है, यानी पहले 5 थी तो 1 जोड़ के अब कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो पहले की रेट जो थी, मान लो पहले 5 रुपए का एक खिलौना बेचता था तो अब 6 रुपए का बेचेगा, मतलब 20% का इजाफा हो गया। दूसरी चीज इसने क्या बोली कि क्वांटिटी, क्वांटिटी में इसने 15% का क्या किया है, डिक्रीमेंट किया है, बेचने में इसने क्या कर दिया, जो मात्रा है खिलौनों की संख्या है उसको 15% कम कर दिया। तो 15 के नीचे हम क्या लगाएंगे, परसेंटेज हटा के 100 लगा देंगे, जो कि कितना आ जाएगा, 5 से काटो 3/20 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि शुरुआत में अगर 20 खिलौने बेचता था इनिशियल, ठीक है, ओरिजिनली ये था। अब यहां पे देखो क्वांटिटी होगी, शुरू में 20 थी तो 5 × 20 हो गया, और अब कितनी हो जाएगी, ये 3 कम होंगे कि ज्यादा होंगे, ये होंगे कम। कारण क्या है कि इसने क्वांटिटी को कम कर दिया है, तो 20 में से 3 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो 5 × 20 यानी कि 120 रुपए पहले कमाता होगा ये, 100 रुपए कमाता होगा, अब कितना कमाता है ये, 17 × 102। अब देखो सारी चीजें आ गई हमारे पास, पहले की कमाई और बाद की कमाई आ गई। शुरुआत में कमाई कितनी थी, 5 × 20 यानी 5 की कीमत से वो 20 खिलौने बेचता था, 100 रुपए कमाता था। अब उसने क्या किया, कीमत बढ़ा दी, 5 की बजाय 6 कर दी और 20 की बजाय 17 खिलौने वो बेचता है, तो 17 × 102, ठीक है, 102 रुपए। तो इसकी कमाई में क्या परिवर्तन आया, पहले 100 रुपए कमाता था अब 102 कमाता है, यानी कि 2 रुपए वो एक्स्ट्रा कमाता है। तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे आप, प्रॉफिट परसेंटेज 2 यानी प्रॉफिट नीचे क्या आएगा, सीपी, तो सीपी कितना है, पहले, पहले का सीपी नहीं, आप एक तरीके से प्रॉफिट में चेंज देख रहे हैं ना। तो इनिशियल कितना था, पहले कितनी कमाई हुआ करती थी, हमेशा प्रॉफिट जो होता है वो, यहां पे कंपैरेटिव प्रॉफिट पूछा है, यहां पे वो प्रॉफिट नहीं पूछा है कि पहले सीपी एसपी वाला नहीं पूछा है, यहां पे ऐसे पूछा है कि पहले 100 कमाता था अब 102 कमाता है, तो कितना परिवर्तन आया, पहले 100 रुपए में कमाता था अब 2 रुपए एक्स्ट्रा कमाता था, 100 पे 2 ज्यादा यानी कि कितना हो गया, 2%। आप सीधा ऐसे भी लिख सकते थे, ये तो आपको मैंने ऐसे ही कैलकुलेशन लिख दिया, जो आपको पता है पहले 100 है आगे कुछ भी आएगा उतना ही प्रतिशत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इन सवालों को आप कर सकते हैं। आगे वाला सवाल जो है उसको खुद करना पहले, उसके बाद समझना कॉन्सेप्ट, एक बार खुद पॉज करके वीडियो को समझो, एक बार करो, दूसरी अटेम्प्ट में करो, फिर भी नहीं समझ में आए तो उसको सॉल्यूशन देखो। सवाल क्या है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है, 15% के लाभ पर बेचता है और वह इसी वस्तु को 25% सस्ता खरीदता और 60 रुपए कम में बेचता तो 32% का लाभ उसे होता, तो उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। क्या दे रखा है क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रखा है कि कोई वस्तु है, शुरुआत में उसको 15% के लाभ पर बेचता है, ठीक है, लेकिन अब उसने एक कंडीशन दे दी है कि 25% अगर सस्ता खरीदता पहले के कंपैरिजन में, क्रय मूल्य में परिवर्तन आ गया दुकानदार के लिए, और 60 रुपए कम में बेचता, उसने क्या कर दिया, क्रय मूल्य भी कम कर दिया, वो प्रतिशत में कम किया है, विक्रय मूल्य को उसने क्या किया है, बेचते समय भी उसने 60 रुपए सस्ती दे दी है,
तो अब जब नया प्रॉफिट बना है तो वो उसको क्या हुआ है, 32% का प्रॉफिट हुआ है। पहले कितना हो रहा था, सिर्फ 15% का हो रहा था। तो आपको बताना है वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है। तो इस तरह के जो सवाल हैं उनको कैसे करेंगे, समझें बात को। मान लीजिए पहले वस्तु का क्रय मूल्य था 100 रुपए। क्रय मूल्य तो इसका क्या है, सीपी तो क्या है, 100 रुपए ही है, ठीक है। अब इसने क्या किया, दुकानदार के लिए है सारी चीज, ठीक। उसके बाद इसने बेचा कितने में, 15% का प्रॉफिट कमा के, तो इसको कितना रुपए मिले होंगे, 15% का प्रॉफिट किया, 115 रुपए मिले होंगे, ऑब्वियसली बात है, ये तो सीधी सी बात हो गई। अब इसने क्या किया, ये तो हो गया पहला केस। दूसरा केस इसने किया कि सीपी टू, ये सीपी वन हो गई। इसमें इसने क्या किया कि अगर वस्तु को सस्ता खरीदता, कितना सस्ता, कितना 25% सस्ता खरीदता, तो यहां पे मैं अगर 25% कम कर दूं 100 में से, तो इसको कितने में पड़ी होगी, 75 रुपए में पड़ी होगी। अब नया सीपी आपके पास 75 आ गया, और पुराना ये क्या है, ये तो SP1 है। अब नया SP हमें लेके आना है, तो आपको पता चल जाएगा ना कि दोनों SP में कितना परिवर्तन है, दोनों CP में तो आपको दिख ही रहा है। नया जो CP है और नया जो SP है वो दोनों तरफ से आप निकाल सकते हैं। दोनों तरफ से कैसे निकालेंगे, यहां से अब अगर आप 60 निकाल दें तो क्या नया CP SP आ जाएगा। आप सोचेंगे कि ऐसा ही तो बोला है कि 60 रुपए सस्ती बेचता है, तो क्या मैं 115 में से 160 सिर्फ 60 निकाल सकता हूं, बिल्कुल नहीं निकाल सकता। उसके लिए आपको यहां पे x रखना पड़ेगा इसके मल्टीपल में, क्यों, क्योंकि सीपी 100 रुपए नहीं था, 100 रुपए हमने माना है, और वो जो 60 रुपए दे रखे हैं वो 60 रुपए है एग्जैक्टली, वो 60 यूनिट नहीं है, ये यूनिट है, ये 100 यूनिट है। अब ये $100 हो सकते हैं, 100 रुपए हो सकते हैं, 100 1 लाख भी हो सकते हैं, 100 के मल्टीपल होगा। कहने का यही मतलब होता है ना, जब हम सीपी 100 मानते हैं तो उसका मतलब है कि वो जो भी संख्या है वो 100 का मल्टीपल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये 115 जो है ये पुरानी SP का मल्टीपल है, ना कि 115 रुपए है, इसलिए 115 में से 60 नहीं निकालना है, वही आपका सवाल गलत हो जाएगा। अगर आप SP की तरफ से कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ 100 मत मानिए, 100x मान लीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा, आप 115x में से 60 रुपए निकाल सकते हैं, क्योंकि वो x की वैल्यू आपको डिफरेंट कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो यहां से मैं क्या करूं, उधर से कैलकुलेशन ना करके मैं क्या करूं, यहां पे कुछ आएगा, ठीक है, दोनों की तरफ से यहां SP2 आएगा, और वो SP2 क्या आएगा, वो SP2 आएगा, इसमें अगर मैं कहूं 32% का प्रॉफिट हो रहा है, 32% का प्रॉफिट मैं अगर ऐड कर दूं 75 में, तो SP2 आएगा, वो डेफिनेटली सत्य है, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि प्रतिशत की बात आ रही है तो मैं इस पे कैलकुलेशन कर रहा हूं। लेकिन अगर यहां पे वैल्यू पैसे में ही आ जाती कि 75 में कुछ जोड़ना होता, तो मैं यहां पे 75 में वो पैसे नहीं जोड़ सकता था, क्योंकि ये 75 यूनिट है, वो रुपए में है। तो 32% अगर आप निकालेंगे 75 का, तो आप अगर आप निकाल के देख लीजिए 32/100, ये आएगा आपका 19.5 आएगा। तो आप इसमें से आप जोड़ के देखिए, 19.5 नहीं सॉरी, आप इसको कैलकुलेशन करके देख लीजिए, 4 8 32 और ये 25 हो जाएगा, ये 3 बार कट जाएगा, तो 8 3 24 हो जाएगा, 24 इसमें जोड़ेंगे 75 में, तो 24 ऐड करिए और आ जाएगा आपका 99, ठीक है। तो 99 आएगा, तो 99 जोड़ा तो कितना आ गया, 75 में 24 जोड़ा, 99 आ गया। उधर से आप क्या कर रहे हैं, 115 से 99 तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 16 कम करने पड़ेंगे, 16 यूनिट आपको कम करने पड़े। अब यहां पे जब ये बोलता है सवाल की कंडीशन के हिसाब से, तो इसने कहा कि पुराना जो विक्रय मूल्य था और नया विक्रय मूल्य है उसमें 60 का अंतर है ना, कि वो 60 रुपए सस्ती में बेचता है, तो इस 16 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 60 रुपए। अब यूनिट की वैल्यू आ गई है, ये सब की सब यूनिट थी, ये 75 यूनिट थी, ये 99 यूनिट थी, ये 115 यूनिट थी। अब जितनी यूनिट है, आप कभी भी मीटर में से सेंटीमीटर नहीं निकाल सकते ना, मीटर में चेंज करके सेंटीमीटर निकालेंगे, दोनों को एक ही कंडीशन में होनी चाहिए, दोनों सेम यूनिट में होनी चाहिए। तो अब यहां तक सेम यूनिट में थी, अब हमने इस यूनिट की वैल्यू निकाल ली कि 16 यूनिट की वैल्यू 60 यूनिट है, 60 रुपए है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60/16 काटेंगे 4 से इसको, तो 15/
चार आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, एक यूनिट की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या माना था, फाइनली पूछा क्या है, हमें क्रय मूल्य पूछा है तो हम 100 को 15/4 से गुणा कर सकते हैं, लेकिन इसने पूछा क्या है, फाइनली वस्तु का क्रय मूल्य ही पूछा है, तो क्रय मूल्य है 100 × 15/4, इसको काटेंगे 25 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 25 250 और 375, ठीक है। इस तरीके से इन सवालों कर सकते हैं कि पहले हमें क्या करना है। इसमें एक ही स्पेशल चीज है जिसको ध्यान रखना है, कभी भी इस साइड से अगर आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आप 100 मान के मत कीजिए, एक्स मान के कर लीजिए। क्यों, क्योंकि आपकी यूनिट सेम नहीं है, यहाँ पे 115 रुपए नहीं है, ये 100 यूनिट आपने मानी है, और 115 में से आप 60 रुपए सीधा नहीं घटा सकते। बस ये चीज आपको समझ में आ गई, तो हमने पहले भी ऐसे सवाल करे हैं जिनसे आपको ये क्लियर हो सकता है चीजें, ठीक है। तो यहां से हम कैसे चले, पहले सीपी हमने माना 100 यूनिट, उसमें से आपने क्या किया, पहले केस में 15% का प्रॉफिट हो रहा था, 115 रुपए में बेचता है। अब उसने कहा कि एक नया केस बनाता हूं कि इस वस्तु को मैं 25% सस्ता खरीदता हूं, यानी कि 100 में से 25% कम यानी 75 पे खरीदता हूं, और उस पे मुझे 32% का फायदा होता है, तो 75 में 32% जोड़ दिया, 24 यूनिट आए, 99 हो गए। और उसने कहा जब वो बेच रहा है वस्तु को तो वो 60 रुपए सस्ती बेच रहा है, यानी कि 115 में नहीं बेच रहा है, अब कितने में बेच रहा है, 99 में बेच रहा है। तो कितना अंतर है, 16 यूनिट का, और 16 यूनिट बराबर 60 रुपए हो गया। उसके बाद आप जब एक यूनिट की वैल्यू आ गई तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं, जो भी आपने मानी है यूनिट्स सारी आपको निकल सकती हैं। आप पूछता है कि पुराना सीपी कितना था, तो इसको आप 15/4 से गुणा कर देते, एसपी सॉरी, और नया एसपी पूछता तो उसको गुणा कर देते, ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आएगा तो उसको सॉल्व करना, पहले खुद करना उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखना। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन को समझिए पहले। कह रहा है कि एक व्यापारी अपने माल का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है तथा उसके बाद 15% का बट्टा दे देता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा जिससे उसे 84 रुपए का लाभ प्राप्त हो। क्या बात कर रखी है इसने, कि अब की बार इसने अंकित मूल्य वाला कॉन्सेप्ट दे दिया है कि क्रय मूल्य पे कुछ बढ़ाया, कितना बढ़ाया, 30% बढ़ाया, उसके बाद उसे 15% का उसने छूट भी दे दी, तो जिसकी वजह से उसको 84 रुपए का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो आपको बताना है कि इस वस्तु पे क्रय मूल्य कितना है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, ठीक है। तो आप पहले इस सवाल को करना, उसके बाद में इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूं। तो सवाल आपने करा होगा, आपका हुआ कि नहीं हुआ एक बार आप चेक कर लेना, आंसर मिला लेना। सवाल का आप पहले समझिए कि पहले क्या करता है, वो अंकित मूल्य बढ़ा देता है, यानी कि तीन चीजें होती हैं आपको पता है, सीपी, एमपी और एसपी, ठीक है। कौन कौन सी है ये मूल्य, एक वो जिस पे खरीदा गया जिसको बोलते हैं हम सेलिंग प्राइस, एसपी, ठीक है, कॉस्ट प्राइस जिस पे खरीदा गया है, उसके बाद जिस पे बेचा गया है उसको बोलते हैं एसपी यानी सेलिंग प्राइस, और जो अंकित किया गया है एमआरपी उसको बोलते हैं मार्क प्राइस। तो ये हो गया आपका अंकित मूल्य, ठीक है, ये हो गया आपका विक्रय मूल्य, और ये है आपका शुरू में क्रय मूल्य, ठीक है। तीनों मूल्य आपको पता होंगे तो आप क्या क्या निकाल सकते हैं, यहां से आप प्रॉफिट लॉस भी निकाल सकते हैं, यहां से आप डिस्काउंट भी निकाल सकते हैं, अगर तीनों मूल्य आपको पता है तो। तो हमेशा आपको याद रखना है कि सीपी पे हमेशा प्रॉफिट लॉस निकलता है, प्रॉफिट लॉस सीपी पे निकलता है, और डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे निकलता है, जितनी एमआरपी लिखी होती है उसी पे तो आपको छूट देता है, ठीक है। तो इस पे कुछ बढ़ा के इसने लिखा जिसकी वजह से उसका अंकित मूल्य बढ़ गया, कितना बढ़ा के लिखा, 30% बढ़ाया, 30% बढ़ा के लिखा, उसके बाद इसने 15% का क्या दे दिया है, 15% का बट्टा दे दिया है, यानी कि 15% की छूट दे दी है, ये हो गया आपका डिस्काउंट। बट्टा या छूट को ही डिस्काउंट बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है यहाँ पे, ये बढ़ा के लिखा हुआ है, ये वर्दी करके लिखी गई है चीज, ये कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं है, ये बढ़ा के लिखा हुआ मूल्य है। तो मैं मान लू अगर सीपी 100 रुपए थी, उसको बढ़ा के इसने 130 रुपए कर दिया, क्योंकि 30% का बढ़ोतरी कर दी। अब इसके बाद इसने बेचा तो 15% का क्या दिया है, 15% की छूट दी है, तो 130 का आप 15% निकालें तो कितना आएगा, 13 × 15/100 निकालो, कितना आ जाएगा, आप इसको 5 से काटेंगे, 3 2
तो 13 × 3 = 39 बटे 2 तो कितना आ जाएगा 19.5। तो 19.5 रुपए की इसने छूट दे दी, 19.5 यूनिट की इसने छूट दे दी, तो कितना आ जाएगा 110.5 रुपए आपके पास क्या आ जाएगा, ये इतनी इसकी क्या आ जाएगी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। सेलिंग प्राइस भी है, कॉस्ट प्राइस भी है, मार्क प्राइस भी है, फाइनली पूछा क्या है, इसने कहा है कि इसको इस पूरे ट्रांजेक्शन के अंदर 84 रुपए का फायदा होता है। 84 रुपए का फायदा होता है, हमें कितना फायदा दिख रहा है यहाँ पे, हमें दिख रहा है 100 रुपए की चीज 110 रुपए 5 पैसे में बेची है, 50 पैसे में बेची है, तो कितना फायदा हुआ 10 रुपए 50 पैसे का फायदा हुआ। ये क्या है हमारे अकॉर्डिंग है, इसने बोला 10 रुपए 50 पैसे का फायदा हुआ, और इस व्यक्ति के हिसाब से जो सिचुएशन है इस टर्म दे रखी है वो क्या दे रखी है 10.5 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है 84 रुपए। क्यों? क्योंकि इसको ओरिजिनली फायदा कितना हुआ है 84 रुपए का हुआ है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी 84 बटे 10.5। पॉइंट हटाऊंगा ऊपर जीरो लगा लो, 840 बटे 105 21 से काट दो, 21 × 84 और 21 × 105 तो कितना आ गया 40/5 यानी कि 8%। 8 यूनिट आई 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू 8 रुपए आई। ठीक है, तो अब यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, सीपी भी निकाल सकते हैं, एसपी भी निकाल सकते हैं और एमपी भी निकाल सकते हैं। पूछा क्या है, सीपी पूछा है, तो सीपी कितना आ जाएगा, सीपी की यूनिट थी 100 रुपए, यहां से हमने 100 माना था तो 100 × 8 यानी कि 800 रुपए। ठीक है, फिर से समझा देता हूं बात को, कहना का मतलब ये है कि शुरू में इसने बोला कि कोई व्यक्ति कोई दुकानदार अपने क्रय मूल्य पे 30% का इजाफा करके लिख देता है, यानी कि 100 पे 130 लिख देगा, फिर इसने 15% का क्या दे दिया है बट्टा दे दिया है, डिस्काउंट दे दिया है, तो 15% का डिस्काउंट देने के बाद कितने की हो गई चीज 110 रुपए 50 पैसे की। उसने बोला कि ये जो फायदा हो रहा है इस पूरे ट्रांजेक्शन में वो 84 रुपए का हो रहा है, लेकिन जब हमने 100 रुपए माना था, जब हमने 100 यूनिट माना तो वो फायदा आपको दिख रहा है 10.5 यूनिट का हो रहा है। ये 10.5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 84, क्योंकि ओरिजिनली इतना ही फायदा हो रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 रुपए। तो यहां से आप सीपी की वैल्यू निकालेंगे जो कि 100 यूनिट है, तो कितना हो जाएगा 100 × 8 यानी कि 800 रुपए। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं आप, कोई भी क्वेश्चन हो उसमें 100 यूनिट मान लिया आपने तो 100 यूनिट मान के लास्ट में आपको कंपेरिजन करना है यूनिट्स का। ठीक है, कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई रुपए में, तो उसके बाद फाइनली आप निकाल सकते हैं, चाहे सीपी निकालना हो, एसपी निकालना हो, प्रॉफिट निकालना हो। ठीक है, कोई एक वैल्यू अगर दे दी प्रॉफिट लॉस एसपी सीपी में से, तो आप वैल्यू में निकाल सकते हैं फाइनल आंसर, लेकिन अगर आपको सिर्फ कंपैरिजन दे रखे हैं तो आप परसेंटेज में ही निकाल पाएंगे पूरा जो आंसर है उसको लास्ट में, क्योंकि बिना किसी कंपैरिजन के आप उस यूनिट की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, मनीष ने 40,000 के दर से 2 घोड़े खरीदे, 40,000 का प्रत्येक एक घोड़ा था, उसमें से एक घोड़े को उसने 15% के लाभ पे बेचा, लेकिन दूसरे घोड़े को उसने कुछ हानि पर बेचा, पूरे सौदे में उसे 3600 रुपए का फायदा हुआ, नुकसान हुआ सॉरी, तो घोड़े का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य। ठीक, क्या कह रखा है, 2 घोड़े खरीदे 40,000 के, एक पे उसे कितने प्रतिशत का फायदा हुआ 15% का फायदा हुआ, दूसरे पे कुछ नुकसान हुआ है, वो नुकसान इसने प्रतिशत में भी नहीं दिया, ठीक है, नए कुछ पैसे में दिया, लेकिन इसने बताया कि पूरा जो ट्रांजेक्शन हुआ दोनों घोड़ों का मिला के, तो उसको अंतिम रूप से 3600 रुपए का क्या हुआ, नुकसान हुआ, तो आपको बताना है दूसरे घोड़े का जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, वो कितना रहा होगा। ठीक है, ये सवाल तो आप सीधा ही कर देंगे, हर कोई कर देगा एक बार, आप एक बार इसको देखें, आसान सा सवाल है। देखो, इस तरह के जो सवाल है उसमें शॉर्ट ट्रिक लगाने की भी आपको जरूरत नहीं है, आप सीधा ही आपके दिमाग में अप्रोच आएगी और आपको पता है मैं इस अप्रोच से भी इसको जल्दी से जल्दी कर सकता हूँ। दोनों सीपी आएंगे, दोनों का सीपी है वो बराबर है, आपको पता है 40,000 का है, ये भी 40,000 का है, दूसरा घोड़ा भी 40,000 का है, लेकिन एसपी दोनों के अलग अलग है, SP1 SP2। इस पे पहले वाले केस में इसको 15% का क्या हुआ है, फायदा हुआ है, 15% का फायदा हुआ है, तो 15 × 60 यानी 6,000 रुपए का फायदा हुआ होगा, वो कितना हुआ 46,000 रुपए हो गया। पहला घोड़ा तो इसने 46,000 का बेचा है, अब ये चीज आपको फास्टली होनी चाहिए कि आप इसको गुणा करें, आपको ये नहीं करना पड़े इसको 15 से गुणा करके 100 का भाग देना पड़े, सीधा आपको पता होना चाहिए, जब 0-0 लगे हैं तो 0-0 तो कट ही जाएंगे, 15 × 60 और 2 जीरो आए बचेंगे, उन 2 जीरो को आपने रखा, 6,000 हो गया, तो कितना हो गया
46,000 का पहला घोड़ा बेचा, दूसरे घोड़े की कीमत हमें पता नहीं है, लेकिन वो जो भी कीमत आएगी वो आपको पता है 40,000 से कम आएगी। कारण क्या है? क्योंकि उस पर इसको लॉस हुआ है, यहाँ पे इसको लॉस हुआ है। कितने प्रतिशत का हुआ है पता नहीं है, हमें निकालना क्या है ये चीज है जिसको फाइनली हमें निकालना है। लेकिन हमें एक चीज और पता है कि अगर मैं दोनों का सीपी जोड़ दूं, सीपी वन प्लस सीपी टू, दोनों को जोड़ दूं तो हमारे पास सीपी टोटल आएगा, दोनों घोड़ों का मिला के इस पूरे ट्रांजेक्शन का सीपी आ जाएगा 40,000 मिला के कितना हो गया, तो सीपी टोटल कितना हो जाएगा 80,000। आप सीधा कर सकते थे, मैं आपको समझाने के हिसाब से सारी चीजें लिख रहा हूं, लिखने की जरूरत ही नहीं है। दोनों घोड़ों का मिला के कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 80,000 हो जाएगा, और दोनों घोड़ों का मिला के जो एसपी है वो हमें नहीं पता, वो तो निकालना ही है। लेकिन इसने क्या कहा है कि 3600 रुपए का इसको फाइनली क्या होता है, नुकसान होता है। तो यानी कि एसपी टोटल एसपी क्या होगा इस 80,000 से 3600 कम होगा, ठीक है, क्योंकि इसको क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। 80,000 में से आप 3600 कम कर लेंगे जो कि क्या आएगा आपका 0,0, और यहाँ पे आप 10 में से 6 निकालेंगे 4, यहाँ पे 9 में से 3 निकालेंगे 6, ठीक है, और यहाँ पे बचेगा आपका 7। तो 76,400 रुपए क्या हो जाएगा आपके पास टोटल एसपी आ जाएगा आपका। कैलकुलेशन आप एक बार चेक कर लेना। उसके बाद आपको पता है कि एक घोड़े को इसने 46,000 में बेचा है, तो दूसरे घोड़े की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एसपी टू कितना आ जाएगा। एसपी टोटल क्या है, इन दोनों का सम है, और अगर सम में से एक को घटा दूं तो दूसरा आ जाएगा, यानी 76,400 में से 76,400 में से 46,000 में निकाल दूं तो कितना आ जाएगा आपके पास 400, तो आगे वाला, उसके बाद ये 0 और ये 3, 30,400 में इसने दूसरा घोड़ा बेचा होगा, ठीक है। तो इसमें तो कुछ सवाल में था ही नहीं, बहुत ही आसान सा सवाल था। बस ये है कि कई बार आपको अगर लैंग्वेज समझ में नहीं आती तो आसान सवाल भी हार्ड लगने लगते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, दोनों का सीपी जोड़ दिया, टोटल सीपी आ गया पूरा ट्रांजेक्शन में। इसी तरीके से हम पहले वाले सवाल भी कर सकते थे, लेकिन उनमें ऐसी अप्रोच लगाने से आपका सवाल लेंदी होता, इसमें ये लेंदी नहीं हो रहा है। क्या कर रहा है, दोनों सीपी जोड़े, दोनों एसपी का टोटल हम निकाल सकते हैं कैसे, जो सीपी में से अगर लॉस निकाल दें तो हमारे पास एसपी आ जाएगा। एसपी आ गया तो दोनों एसपीओ का टोटल एसपी है, एक एसपी दिया हुआ है, दूसरा एसपी आप निकाल सकते हैं, यानी कि सेलिंग प्राइस आपके पास आ जाएगा दूसरे घोड़े का, ठीक है। इस तरीके से इन सवालों को करें, आपके दिमाग में जो अप्रोच पहले क्लिक करती है उसको आप फॉलो करें, बशर्ते अगर वो जो कॉन्सेप्ट है वो लंबा नहीं है। आप एक्स मान के करें, वो वाला कॉन्सेप्ट अगर अपनाएंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। लेकिन ये भी पता होना चाहिए किस अप्रोच से मैं इस सवाल को जल्दी से जल्दी कर सकता हूँ। हर किसी के लिए एक ही ट्रिक फास्टेस्ट नहीं हो सकती, सबको अपनी अपनी ट्रिक बनानी पड़ती है। आप अगर सवाल करते जाओगे तो अपने आप ट्रिक्स बनती जाएंगी, कॉन्सेप्ट के बिना कोई ट्रिक नहीं होती है, ठीक है। एक सवाल और देख लीजिए, लाखरी कि एक फल विक्रेता 100 रुपए के 10 सेब खरीदता है और 25% लाभ प्राप्त करने के लिए 100 रुपए में कितने सेब बेचेगा। ये एसएससी सीपीओ 2014 में आया हुआ सवाल है। क्या कह रखा है कि फल विक्रेता जब खरीदने जाता है तो 100 रुपए के 10 सेब खरीदता है, ठीक है, लेकिन बेचता है तभी भी वो 100 रुपए के बेचता है, लेकिन कितने बेचेगा, बेचेगा कितने जबकि उसको 25% का फायदा कमाना है, ठीक है। सीपीओ में आया हुआ सवाल है लेकिन बहुत ही आसान है। देखो सीपी के समय इसका क्या रहा, 100 रुपए में कितने सेव, 10। 100 रुपए में 10 सेव खरीदा, यानी कि 10 सेवों की सीपी कितनी हो गई, 100 रुपए। तो यहां पे आपको जब इसको कमाना है प्रॉफिट, तो क्रय मूल्य सीपी आप देखिए, यहां से एक सेव की सीपी ऑफ 1 एप्पल क्या रहा, 100 रुपए के 10, तो 10 में 100 में 10 का भाग देंगे तो 1 एप्पल की सीपी कितनी हो जाएगी, 10 रुपए हो जाएगी। ये तो बात सीधी है ना, एक सेव का क्रय मूल्य 10 रुपए हुआ। तो आपको बताना है कि अगर मैं इसमें प्रॉफिट कमाना चाहता हूं 25% का, 25% का अगर मैं प्रॉफिट कमाना चाहता हूं तो एसपी ऑफ 1 एप्पल कितनी आ जाएगी बताओ। अगर मैं 10 में 25% जोड़ूं, यानी कि 2.5 रुपए जोड़ूं, तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 12.5 रुपए। आप इसको अलग से भी निकाल के देख लीजिए,
10 का 25% कितना होगा, 2.5 रुपए, 2.5 रुपए होगा। वो आप अगर जोड़ेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, एस पी कितना हो जाएगा, 12.5 रुपए आ जाएगा। अब ये 12.5 रुपए कितने एप्पल की वैल्यू है, ये एक एप्पल को जितने रुपए में बेचना चाहिए वो कितना है, 12.5 रुपए। 25% फायदा तभी तो होगा ना जब हर एप्पल को वो 12.5 रुपए में बेचेगा। लेकिन इसको एप्पल कितने बेचने हैं वो कोई आपके पास बाउंडेशन नहीं है, लेकिन बेचने कितने रुपए के हैं, सिर्फ 100 रुपए के बेचने हैं। तो यहां पे देखिए, अगर एक एप्पल की जो कीमत है, एक एप्पल यहां पे आप देख लो 12.5 रुपए, ठीक है, या फिर इसको रिवर्स करो तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। मैं अगर आपको उस तरीके से बताऊं, क्योंकि आपको एप्पल निकालना है, जो चीज निकालनी होती है उसको राइट हैंड साइड में रखोगे तो कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। 12.5 रुपए में एक एप्पल, ठीक है, 1 रुपए में कितने एप्पल, 1/12.5 एप्पल, और 100 रुपए में, सीधी बात है यही तो निकालना है, 1/12.5 × 100, ठीक है। आप पॉइंट हटाओगे, जीरो लगा दोगे, 25 से काटोगे, कितना आएगा, ये आएगा आपके पास 8। यानी कि अगर वो 100 रुपए में 10 एप्पल खरीदता है और 100 रुपए में वो एप्पल कितने बेचेगा, अगर उसको 25% का फायदा कमाना है तो वो कितने होंगे, 100 रुपए में वो 8 एप्पल बेच पाएगा। लैंग्वेज ही है, अर्थमेटिक में आपको अगर लैंग्वेज समझ में आ गई सवाल की, तो आप सब सवाल को आसानी से कर सकते हो, किसी भी मेथड से करो। लेकिन अगर आप 100 मान के और x वगैरह मानोगे, उससे आपका कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। जो आपको लग रहा है जिस मेथड से आप फास्टेस्ट कर सकते हैं, और वो किस तरीके से करोगे, जितने ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चंस को, जितने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपके सवाल होते जाएंगे। तो इस तरीके के सवाल भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी सीपीओ में पूछा गया है, तो वो बैंकिंग में भी पूछा जा सकता है, एसएससी सीजीएल में भी पूछा जा सकता है। इसी तरीके के नंबर बदल देगा, 10 यहां पे 100 की जगह कुछ कर देगा, 10 की जगह कुछ कर देगा, लेकिन सवाल ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल आपको किस तरीके से करने हैं, और भी जो आने वाले वीडियोस में हम सवाल करते जाएंगे, प्रीवियस ईयर के, एसएससी के, रेलवे के और बैंकिंग के सवाल हैं, उनको हम कंसीडर करेंगे। पूरा का पूरा वीडियो उनके प्रीवियस ईयर पे ही चलता रहेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं चैनल पे, तो और वीडियो को लाइक करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, और किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, साथ ही टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।